वेस्ट बोकारो घाटों में जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर पिछले 6 माह से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रैयत उमेश कुमार टुडवार के समर्थन में रामगढ़ विधायक ममता देवी शामिल हुई और धरना स्थल में बैठकर प्रबंधन को विधायक ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए 6 माह धरना प्रदर्शन कर रहा है और प्रबंधन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिलता प्रबंधन की उदासीनता को दर्शाता है। साथ ही विधायक ने कड़े लहजे में प्रबंधन को कहा कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा मेरा समर्थन इन्हें जारी रहेगा। यहाँ पर ये टाटा कंपनी के समक्ष यहाँ पर प्रदर्शन में एक हमारा भाई बैठा हुआ है। करीब 13/6/2022 से ये प्रदर्शन में बैठा हुआ है। कारण ये है कि इनकी ज़मीन को इस कंपनी के द्वारा अधिग्रहित किया गया है और इनका नाम है उमेश कुमार टुडवार, इनके भाई हैं कौशल कुमार महतो और इनके पिता स्वर्गीय पारसनाथ महतो, जिनकी ज़मीन को टाटा कंपनी ने एक्वायर किया है। लेकिन अभी तक ना ही ज़मीन का कोई मुआवजा ना ही कोई नौकरी इनको दिया जा रहा है। जबकि होता यह है कि जो हम सरकारी गाइडलाइन में जो हम लोगों ने देखा है कि भाई किसी भी कोई ज़मीन को अधिग्रहित किया जाता है तो उसे मुआवजा और उसको नौकरी से जोड़ा जाता है, लेकिन आज तक ये भाई को इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसको लेकर के कई बार इन्होंने भी यहाँ पे या वो अंचल है या फिर हमारा ज़िला है या फिर स्टेट तक है, सभी जगह पर इन्होंने एक आवेदन के माध्यम से सूचना देने का काम किया है। लेकिन अभी तक ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई इस पर, ना ही प्रबंधन के तौर पे कोई कार्रवाई की गई। मतलब सारे लोग यहाँ पर सुस्त बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा और भाई हमारा 6 महीने से यहाँ बैठा हुआ है। जब मुझे सूचना मिली, इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, मैंने इस बात को विधानसभा पटल पे भी रखने का काम किया। तुरंत वहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेशित किया, जिला प्रशासन को, माननीय DC महोदया को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं, कोई पहल नहीं की गई कि इनको क्या चाहिए, इनको क्या सुविधा होना चाहिए। तभी आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग जब तक नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ के कंपनी के लोग आकर के हम लोग से मिल नहीं लेते हैं, बातें नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं आज भी इनके साथ यहाँ पर बैठूंगी और हमारे साथ सभी भाई लोग भी और कई यहाँ पर रैयत लोग भी हैं। ये मैं बात केवल उमेश जी के लिए नहीं कर रही हूँ, उमेश जी भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे चचा बैठे हुए हैं, यासिन जी हैं, इनका भी इसी तरह का मामला है। तो इस संदर्भ में कई सारी शिकायतें यहाँ से बराबर आती रही हैं और इस तरह का मनमानी रवैया यहाँ तो खैर बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है, ज़मीन एक्वायर हुआ है तो इनको अधिकार भी दिया जाए, जहाँ तक इनके लिए लड़ना होगा हम लड़ेंगे। विधायक ने 1 सप्ताह का समय प्रबंधन को दिया है, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विधायक भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। विधायक ने पहले भी इस मामले को विधानसभा में उठाया है। मोहम्मद शाहिद, रामगढ़ की रिपोर्ट।